सॉल्व क्वेश्चन नंबर थ्री. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर. अब हमको जो भी मेजर दिए गए, ठीक है, लेंथ के मेजरमेंट दिए गए, उनको उसमें किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर और सेंटीमीटर दोनों में करना है, मीटर में भी और सेंटीमीटर में भी. ठीक है, जो लेंथ दिए गए, मेजरमेंट दिए गए, उससे मीटर और सेंटीमीटर दोनों को हमको सेपरेट करके लिखना है. कैसे करेंगे, 400 सेंटीमीटर. मैं यहाँ आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, आप उसे कोई फॉलो करोगे. ठीक है, अब आपको मालूम है कि वन मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर. एक मीटर किसके इक्वल होते हैं, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. ठीक है, तो 100 मीन्स आपका 100 में 20 है, आप सिर्फ क्या करोगे, लास्ट से 2 नंबर को मार्किंग कर दीजिए. ठीक है, जो 2 नंबर आपके मार्किंग, यहाँ पर 2 नंबर लास्ट में क्या है, 00 है, आपको सिर्फ लास्ट के 2 नंबर को मार्क करना है. ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में भी आपको लास्ट 2 नंबर को मार्क करना है, इस क्वेश्चन में भी आपको 2 नंबर, जो लास्ट से 2 नंबर है, जो पीछे से 2 नंबर, आप उसको क्या कर दो, लाइनिंग कर दो. ठीक है, क्यों हम 2 नंबर करते हैं, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 में कितने जीरो होते हैं, 20, तो हम उसको क्या करेंगे, 2 लास्ट से 2 नंबर को हमको क्या करना है, अंडरलाइन करना है. अब जब ये आपका अंडरलाइन हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर बन गया, सेंटीमीटर बन गया, जो हमने लाइन खींचा जिस नंबर को, 2 नंबर को. ठीक है, वो सेंटीमीटर, और इसके आगे जिसमें हमने लाइन नहीं खींचा है, वो क्या हो गया, आपका मीटर बन गया. ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया, 4 मीटर एंड 00 सेंटीमीटर. ठीक है, अब यहाँ पर तो 00 है, तो यहाँ सेंटीमीटर तो है नहीं, तो आप डायरेक्टली आपका आंसर क्या आएगा, खाली 4 मीटर. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको मीटर और सेंटीमीटर दोनों बनाना है. देखो यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर दोनों आ गया. ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर बी में वही करना, सेंटीमीटर में 100 होते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 20 को लास्ट से 2 नंबर को हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, जो अंडरलाइन है वो क्या बन गया आपका, सेंटीमीटर, और जहां अंडरलाइन नहीं है वो क्या है, मीटर. तो आपका आंसर आ गया 16 मीटर एंड 00 सेंटीमीटर. ठीक है, अब यहाँ पर तो सेंटीमीटर नहीं है, तो हम इसको खाली कैसे रीड करेंगे, 16 मीटर. ठीक है, अब इधर सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100, तो हमने यहाँ पर लास्ट से 2 नंबर पे हमने अंडरलाइन कर दिया, तो ये क्या हुआ आपका, सेंटीमीटर पीछे वाला, और उसके आगे वाला नंबर क्या हुआ, मीटर. ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ, 3 मीटर शॉर्टकट में लिख रहे हैं, एंड 45 सेंटीमीटर. हमको इसको पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि सब 45 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 00 तो 00 तो कुछ नहीं होता वैल्यू, मतलब सेंटीमीटर है ही नहीं, तो हम खाली 16 मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर कुछ नहीं, 00 है, तो ये क्या होगा खाली, इसका आंसर 4 मीटर. ठीक है, आप ये शॉर्टकट में कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो बेटा आप शॉर्टकट नहीं करेंगे तो आपको थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसेस होगा. जैसे यहाँ पर 345 तो 300 क्या हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर प्लस 45 सेंटीमीटर, तो 300 सेंटीमीटर क्या हुआ, 3 मीटर, तो 3 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर, तो उतना लंबा करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे शॉर्टकट भी कर सकते हो. ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स. अब हमको जो भी क्वेश्चन दिया है उसको किस में चेंज करना है, मीटर्स में चेंज करना है. ठीक है, अभी तक हमने क्या चेंज कर रहे थे हम, किसमें, सेंटीमीटर में, लेकिन हमको कन्वर्ट करना, कन्वर्ट मीन्स चेंज करना, बदलना, जो भी क्वेश्चन दिया किसमें बदल दो, किसमें चेंज कर दो, मीटर में कन्वर्ट कर दो. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 7 किलोमीटर, यहाँ पर दिया 7 किलोमीटर, तो सबसे पहले आपको लिखना है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ठीक है, किलोमीटर दिया, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, पहले आपको वो लिखना है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. ठीक है, हमको मीटर्स में चेंज करना है, और हमारा क्वेश्चन दिया किलोमीटर. ठीक है, तो पहले हमको
वन किलोमीटर की वैल्यू बता रही, कि वन किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, वन किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। अब आप अपने क्वेश्चन को लाइए जिसको चेंज करना, तो 7 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे, तो 7 किलोमीटर जो आप क्वेश्चन को लेकर आएंगे तो 7 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, 1000 मीटर से। ठीक है, अब आपका आंसर कितना आएगा, 7 जो लिखे थे 7 लिखो और कितने जीरो है, 30, आप 30 डाल दीजिए और आगे मीटर। ठीक है, तो आपका 7 किलोमीटर चेंज कन्वर्ट होकर मीटर में कन्वर्ट होकर कितना मीटर बन गया, 7000 मीटर बन गया। ओके, अब यही आपका आंसर है। अब यहाँ पर है देखो 3 किलोमीटर, अब यहाँ पर सिर्फ किलोमीटर दिया था, ठीक है, अब यहाँ पर 3 किलोमीटर तो दिया है, साथ में 330 मीटर भी दिया है। ठीक है, और हमको चेंज किसमें करना है, मीटर में, हमको चेंज किसमें कितना है, मीटर में, तो मीटर को मीटर में चेंज करेंगे क्या, नहीं, ये दोनों तो क्या है, सेम है, इसको हमको चेंज नहीं करना है, इसको हमको चेंज नहीं करना है, सिर्फ किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, ये क्योंकि ये किलोमीटर है और हमको चेंज करना है, हमको जितना भी क्वेश्चन है उसको मीटर्स बनाना है, यहाँ किलोमीटर है तो हम मीटर बनाएंगे, ये तो ऑलरेडी मीटर है ना, एम मीन्स क्या होता है मीटर, तो मीटर को मीटर में चेंज करना है क्या, नहीं, ये दोनों तो सेम है। ठीक है, सिर्फ किलोमीटर को हमको मीटर में चेंज करना है। आप देखिए वी नो दैट वन किलोमीटर, अब किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 1000 मीटर, ये आपको पता है। अब आपको सिर्फ इसको चेंज करना है ना, 3 किलोमीटर इक्वल टू, अभी 3 को लिखिए 3, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 मीटर, अब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये 3 तो आएगा, इसका 30 को डाल दो और मीटर, तो आपका 3 किलोमीटर चेंज होगा, कितना मीटर्स बन गया, 3000 मीटर्स बन गया। अब ये तो मीटर हो गया, अभी क्वेश्चन का जो एक्स्ट्रा मीटर है उसको क्या करना है, उसको हमको ये जो ये मीटर में हो गया ना, आप ये मीटर और ये मीटर को क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, अब इस मीटर को 330 मीटर क्या करेंगे, आप प्लस करेंगे, यहाँ प्लस क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर तो मीटर दिया नहीं था, सिर्फ किलोमीटर था। ठीक है, यहाँ पे जो दिया उसको प्लस कर दो, 3 + 3 0 + 0 0 0 + 3 3 0 + 3 3 3 के नीचे कुछ नहीं है 3, और ये क्या हो गया मीटर। सो ये आंसर इज आपका 3 किलोमीटर एंड 330 मीटर चेंज होकर पूरे मीटर में चेंज होकर कितना आया, 3330 मीटर। ओके, सेम हमको अब चेंज करना है 5 किलोमीटर एंड 55 मीटर को चेंज करना है, सो वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब इसको हमको चेंज नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी मीटर में है ना, इसको चेंज करना हमको, तो 5 किलोमीटर इक्वल टू 5 × 1000 मीटर कितना बन जाएगा, 5 × 30 पुट कर दो, चेंज हो गया, अब ये तो पूरा मीटर में बन गया। ठीक है, अब ये मीटर को क्या करना है, हमको प्लस करना है, देखो प्लस करने के लिए हमको प्लस वाले ये ध्यान रखना है, 55 आप स्टार्टिंग में नहीं लिखोगे, ठीक है, हमेशा 1 और 10 से ही स्टार्ट होता है ये 1 10, तो आपको 1 और 10 से लिखना, यहाँ नहीं लिखना है नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर। 0 + 5 5 0 + 5 5 0 then 5, ठीक है, मीटर दिस योर आंसर। सो 5 किलोमीटर एंड 55 मीटर कन्वर्ट होकर पूरे मीटर में कन्वर्ट होकर कितना आया आंसर, 5055 मीटर। ओके, सो रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ योर बुक यू विल डू योर सेल्फ। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोमीटर्स एंड मीटर्स। अब देखो हमको कन्वर्ट करना है इसमें किलोमीटर और मीटर में। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया,
मीटर्स कर रहे थे, ठीक है, कि जो भी हमको दिया रहता है लेंथ हम खाली मीटर में चेंज करते थे, लेकिन हमको हमको किलोमीटर और मीटर दोनों में हमको उसको सेपरेट करना है, ठीक है, जो भी लेंथ दी गई है किलोमीटर और मीटर। तो बेटा देखो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर ए 4000 मीटर, ठीक है, आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर्स, ठीक है, 1000 मीटर्स मीन्स 1 किलोमीटर, 2000 मीटर मीन्स 2 किलोमीटर एंड 3000 मीटर मीन्स 3 किलोमीटर एंड 4000 मीटर इक्वल टू 4 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो आपका 1000 मीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, आपको 1000 मालूम है, आप शॉर्टकट करिए इसको, आप क्या करोगे 1000 का जो लास्ट का 3 लाइन जैसे हमने मीटर में किया था लास्ट से 2, क्योंकि मीटर में कितने 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर थे 100, तो हमने लास्ट से 2 नंबर लिया था, लेकिन अब ये मीटर है, 1 किलोमीटर में हाउ मेनी 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, 1000, तो 1000 में कितने जीरो होते हैं 3, तो आप क्या करोगे लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की ओर 3 आप क्या कर दोगे नंबर्स को मार्किंग कर देना, जो आपने मार्किंग किया है ना 3, ये क्या हो जाएगा आपका मीटर और उसके आगे वाला क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा किलोमीटर, ठीक है। देखो मैंने किया, आपका आंसर क्या हो जाएगा 11 लास्ट 11 आगे का नंबर 4 किलोमीटर हमको शॉर्ट लिखेंगे एंड इसके आगे का क्या हो जाएगा 000 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर 00 है तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आपका क्या कहलाएगा ये 4 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा दूसरा अब यहाँ है नंबर बी 1756 मीटर, अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर और मीटर दोनों में, ठीक है। तो सेम 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स 1000, तो आप यहाँ से 3 जितने 3 नंबर है ना उसको मार्क कर दीजिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा ये 3 नंबर्स क्या हो जाएगा मीटर, और उसके आगे का जो नंबर है कोई भी नंबर उसके आगे का जहां हमने लाइन नहीं खींचा वो क्या बन जाएगा आपका किलोमीटर, ठीक है। सिर्फ आपको किलोमीटर मीटर देखना है, जहां मीटर आया वहां 1000 मतलब 3 नंबर को करोगे क्योंकि 1000 है, जहां सेंटीमीटर आया वहां पर 2 करना है क्योंकि वहां सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, यहां जो मार्किंग नहीं हो क्या होगा 1 किलोमीटर और 756 मीटर, ठीक है। सेकंड यहां भी हमको क्या करना है क्योंकि मीटर्स है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स, तो आपको 3 नंबर को लाइन कर दो ये हो जाएगा आपका मीटर और ये क्या हो जाएगा उसके आगे वाला जिसमें लाइन नहीं है वो किलोमीटर, 2 किलोमीटर एंड 300 मीटर। बेटा ये मैंने शॉर्टकट में किया है, नहीं तो आपको पहले क्या करना था कि 2000 मीटर प्लस 300 मीटर, तो 2000 मीटर कितना होता 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर एंड 300 मीटर, तो इतना लेंथी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो, ठीक है।